पानी का संकट होता था, नारू का संकट होता था, शिक्षा का संकट था, स्वास्थ्य का संकट था। तालाब भी बनवाए, बांध भी बनवाए, स्टॉप डैम भी बनवाए और खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में हम लोगों ने अभियान चालू किया जिससे आपका जल स्तर बढ़ा। इसी के साथ साथ तो बस वही, इसी के साथ में रामगंज मंडी से भोपाल की रेलवे लाइन भी मेरे समय बन गई थी। आपके दरभंगा में जितनी भी संस्था है वो सब मेरे समय प्रारंभ हुई और गौ सेवा आयोग का गठन मैंने किया था जीरापुर वाले प्रभुदयाल चौबे जी को। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं चालू की लेकिन वो केवल कुछ जगह निर्माण हो गया, कुछ जगह नहीं हुआ। मैं नलखेड़ा के साथ जा रहा था तो वहां एक गौशाला मुझे दिखी जो कि कमलनाथ जी ने मंजूर की। वहां एक भी गाय नहीं थी, हाँ कुछ 10-5 भैंसे जरूर बदली हुई थी। तो बात यही गौ सेवा भाजपा की है। मैं इसलिए आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आपका मतदान केंद्र, उस मतदान केंद्र पर भी आपको काम करना है। मेरा पत्र आपके पास आ रहा है, घर घर पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है और जो मेरा पत्र आप दोगे, किसको दिया है उसका नाम, उसका फोन नंबर, कौन सी तारीख को दिया वो देख लेंगे। और हमारी ये यात्रा जो है 3 बिंदुओं पे चल रही है, वादा निभाओ यात्रा। उन्होंने वादा किया था 2700 रुपये कुंटल गेहूं का देंगे नहीं देंगे, उनको नहीं दे रहे हैं, 2275 रुपये दे रहे हैं और साथ में ये भी कहा था 125 रुपये हम देंगे बोनस, वो भी नहीं दे रहे हैं। झूठ बोलना इनकी आदत। फिर लाडली बहना से कहा था भाजपा सरकार बनाओ 3000 रुपये देंगे, वो भी नहीं दे रहे। फिर कहा था गैस की टंकी 450 कर देंगे, वो भी नहीं दे रहे। कौन सा काम इन्होंने किया, केवल धर्म के नाम पर आपको गुमराह करते हैं। हम सब धार्मिक है, कौन धार्मिक बताओ यहाँ पे जितने खड़े हैं, कोई अधार्मिक है क्या, कोई ऐसा है जो भगवान राम को ना मानता हो? फिर भेदभाव क्यों, भगवान राम सबके लाखों साल से है। फिर भी मैं आपसे अनुरोध ये करता हूं कि आप सब लोग मिलकर पूरी कोशिश करो, अपने जितने परिवार हैं और जो तो रूठे हुए भी हैं उनको मनाओ, जो भाजपा के लोग हैं उनको भी मनाओ, क्योंकि वो तो मशीन है, एक मशीन झूठ बोलने की और एक मशीन वोट डलवाने की, दोनों झूठ है। बहुत बहुत धन्यवाद।